भारत माता की, भारत माता की। तरफ हमारी वीडियो जब जा रही है, देवरिया वासी जब देख रहे हैं तो चारों तरफ रो रहे हैं कि हमारे देवरिया पे ही ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों लगातार 2 हफ्ते में 3 जवान शहीद हो गए। अभी हम ग्रामवासियों को हकीकत उसमें मालूम नहीं है, अब इसका पोल और उसका राज कैसे हुआ है। उस गांव वालों का पूरा शंका बना हुआ है कि जो शहीद धर्मेंद्र गौड़ जी हैं, जिस ट्रेन से आ रहे थे, शहीद धर्मेंद्र गौड़ अमर रहे, शहीद धर्मेंद्र गौड़ अमर रहे। इस वक्त हम लोग गौरव राज में है और देवरिया की सबसे कही जाए तो पहाड़ टूट पड़ा है। 2 हफ्ते में 3 जवान शहीद हो गए हैं और लगातार टीवी समाचार की टीम कवरेज कर रही है और गौरव राज के तट पे आई हुई है। हमारे साथ देख रहे होंगे कि जो धर्मेंद्र गौड़ जी हैं, जो ट्रेन में आते समय उनके साथ कुछ बड़ा हादसा हो गया और वो शहीद हो गए। हमारी टीवी समाचार की टीम मौके पर पहुंची है और लोगों से बात करना चाहेगी और चाचा इनसे बात करेगी। पहले क्या नाम है आपका? राजेश यादव, पूर्व ग्राम प्रधान नेतवार, प्रधान संघ अध्यक्ष बराज जी। ये आपको कब मालूम चला कि इस देश के लिए शहीद हो गए धर्मेंद्र गौड़ जी? 2 तारीख को समय लगभग 10 बजे उनके घर पे यह सूचना मिली जी। वो भी सूचना इनके घर से फोन जब धर्मेंद्र गौड़ के फोन पे गया जी। तो उनके साथ में ट्रेन पे उनके ही भाई फौजी जी, उनका सहपाठी फौजी जो साथ में यात्रा कर रहा था जी, वह फोन उठाए जी। और उसके भाई से बोले कि अभी धर्मेंद्र जी किसी स्टेशन पे उतर गए हैं, मेरे पास नहीं है। अच्छा। मेरे पास आते हैं तो मैं बात कराऊंगा। फिर उसके बाद उनके परिजन फोन करने लगे जी। इनके साथी, धर्मेंद्र के साथी ने फिर फोन नहीं उठाया। अच्छा। फिर एक बार बाद में लगभग 12 बजे फोन उठाए जी। और धर्मेंद्र के भाई छोटे धीरे से बात हुई जी, जी। तो कहे कि मैं जीआरपी को सूचना दे दिया हूँ, जीआरपी इसकी छानबीन कर रही है कि कहाँ है। उसके बाद जीआरपी वाले ने धर्मेंद्र के भाई धीरज गौड़ के पास फोन किया 12:00 पे और कहे कि आप अपने भाई धीरज उनको धर्मेंद्र गौड़ का फोटो भेजिए। तो फिर इनका भाई फोटो भेजे और उधर से फिर अपना फोटो का मिलान किए, वो अपने ग्रुप में डाले थे वो फोटो जो उनका एक्सीडेंट जहाँ भी उनका शव पड़ा हुआ था, तो यहाँ से वहाँ तक मिलान किया गया। जब मिलान गया तो गाँव के लोग भी और घर के लोग परिजन भी पहचान किए कि हाँ यही धर्मेंद्र गौड़ है। जब वहाँ से सर्टिफाइड वो लोग भी हो गए और ये लोग भी, तो क्लियर हो गया कि यह जो हादसा हुआ है वो धर्मेंद्र गौड़ के ही रूप में हुआ है। अच्छा जी। हादसा का कुछ पता होता चला है कैसे हुआ है? अभी हम ग्रामवासियों को हकीकत उसमें मालूम नहीं है, अब इसका पोल और उसका राज कैसे हुआ है। उस ट्रेन के उस बोगी के लोग या उनका सहपाठी जो उनका बीएसएफ का जवान उनके साथ आ रहा था, उसको जरूर कुछ न कुछ मालूम होगा। अच्छा। हाँ, ये श्योर है सर। आपको लगता है कि उनके साथ कुछ घात हुआ है या बस वैसे ही एक्सीडेंट हो गया? नहीं सर, लगता है कुछ घात हुआ है। अच्छा। क्योंकि इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि घात हुआ है। हाँ। कि एसी बोगी में आने वाला बंदा, हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो तो बहुत सिंसियर था, वो तो हमारे देश का जवान था, रक्षक था। हाँ। अन्य लोगों की मैं बात करता हूँ, एसी बोगी में रहने वाला लोग जल्दी अपने फाटक पे नहीं जाते हैं, वो भी 12-1 बजे की बात बताई जा रही है। तो वो अपने सीट पे ही था। अब इसके लिए उस बोगी के जितने जो रेशन टिकट थे उनसे प्लस उनका साथी जो आ रहा था अजय कुमार भी सबका जवान, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए पूछा जाए तो पक्का इसमें राज मिलेगा। हम लोग को शंका है, हम लोग को शंका है। जी जी, उसके मौत का शंका। अच्छा। हम लोग को देखिए, गांव वालों का पूरा शंका बना हुआ है कि जो शहीद धर्मेंद्र गौड़ जी हैं, जिस ट्रेन से आ रहे थे उसमें हादसा नहीं हुआ बल्कि एक साजिशन तहत है। क्योंकि परिजन के लोग भी कल हम जब बाइट लिए तो यही संदेह जता रहे थे कि कुछ उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन इसके निष्पक्षता तरह जांच होनी चाहिए। और ये गांव के चारों तरफ दिखा दीजिए सर, चारों तरफ कैमरा घुमा दीजिए, गांव के चारों तरफ लोग आए हुए हैं और गांव के लोग चारों तरफ कह रहे हैं कि कुछ शक संदेह है, आखिरकार ऐसे ट्रेन में हादसा कैसे हो जाएगा। और जब एसी बोगी में बैठे थे तो ये बड़ा सवाल बन जाता है शहीद धर्मेंद्र गौड़ के लिए। और लोगों से थोड़ा बात कर लें। चाचा क्या नाम है आपका? रज्जन। आप कहाँ के हैं? नेतवार के। आपको कब मालूम चला कि शहीद? जब बताएं 10 बजे दिन में, 12 बजे तब हमको मालूम हुआ। अच्छा। हाँ, उसके बाद तब आपको मालूम हुआ? हाँ, दूसरा वो कुछ नहीं जानता। उसके बाद कुछ नहीं मालूम हुआ? ना, ना। और कोई इनके घर के अगल बगल के इर्द गिर्द? हाँ हाँ बाबा, आ जाइए, बताइए क्या नाम है आपका? कमलाकर पांडे। बाबा, आपको कब मालूम चला
कि रास्ते में आते समय धर्मेंद्र गौड़ जी शहीद? लगभग 2 बजे के लगभग मालूम हुआ। 2 तारीख को। अच्छा, जैसे पूरे गांव वासियों का सख्त संदेह है कि ऐसे नहीं हो सकता। खेत में पानी चला रहे थे, उसी समय हमारे घर से फोन गया कि धर्मेंद्र जी का ऐसा ऐसा बात हो गई। जिस दिन घटना हुई उसी दिन 9 बजे के लगभग प्रधान जी उसका नंबर लिए, BSF का जो जवान था उससे पूछे, रात में पूछे तो बताया कि लगभग 9-10 बजे के लगभग हम लोग भोजन किए, उसके बाद हम लोग सो गए। पूछे प्रधान जी की कब उठे हो तुम, तो कह रहा कि 10 हम लोग 7-8 बजे के लगभग सुबह उठे। अच्छा, तो ये बताइए संदेह हो रहा है कि नहीं है? कभी भी आदमी 1 बजे 2 बजे सोता है 2 घंटा 3 घंटा, जरूर 3-4 बजे लगभग उठ जाता है। ये कह रहा है कि हम 9 बजे हम लोग खा पी के सो गए और सुबह लगभग हम लोग 7 बजे उठे और देखो तो अपना जगह अपना ही था। अच्छा, इसीलिए संदेह सबको लग रहा है कि भाई गलत किया जरूर। तो आप लोगों को क्या मांगे हैं, जांच होनी चाहिए इस पे? मांग यही है कि उचित जांच हो, उसका निष्पक्ष हो। जांच हो, अगर गलत किया तो उसको दंड मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ की चारों तरफ लोग एक तरह से भावुक हैं, दूसरी तरफ से आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ घात हुआ है और ये पूरे निष्पक्षता तहत जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि जब तक जांच नहीं होगा तब तक हम लोग जो है कि कार्रवाई की मांग करते रहेंगे। क्या नाम है चाचा? संतोष तिवारी। तिवारी जी, आपको कब मालूम चला कि रास्ते में आते समय धर्मेंद्र गौड़ जी शहीद हो? हम विद्यालय थे, लगभग 2 बजे मालूम हुआ दिन में। जी, तो आपको भी कुछ लग रहा है कि शक संदेह? शक लग रहा है, उसका ट्रैक से लंबा दूरी है, उसकी लाश गिरी हुई है जी। उसके बाद वो फोन पे बात करने के लिए हिचकिचा रहा है, जो साथ में है उसके। फोन भी बंद कर दे रहा है बार बार। अच्छा, क्या कह रहे हैं? बात हुई थी 1-2 बार, उसके बाद फोन बंद कर दिया। और GRP वाले से भी बात हुई थी हमारी, तो बोले ठीक है, हम लोग कंट्रोल रूम में बता दिए हैं। और ये सुबह 7 बजे की बात है, सुबह 7 बजे की बात बता रहे थे। शहीद धर्मेंद्र गौड़, शहीद धर्मेंद्र गौड़, शहीद धर्मेंद्र गौड़, भारत माता की, भारत माता की। बड़ी दुख की बात है कि देवरिया जिला में पहाड़ टूट पड़ा है। 2 हफ्ते में 3 जवानों की शहादत पे ये पूरा देवरिया रो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो धर्मेंद्र गौड़ की अब उठ रही है कि इनकी जांच होनी चाहिए। रास्ते में जब ट्रेन से आ रहे थे तो आखिरकार एक बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया, और लोगों को शक संदेह है। थोड़ा सा आइए बाहर दिखा देते हैं और तस्वीरें दिखा देते हैं। ये धर्मेंद्र गौड़ जी की पार्थिव शरीर है, यहाँ शासन प्रशासन के लोग हैं और पुलिस प्रशासन के लोग हैं और BSF के जवान भी थे जो उधर आए हैं। और इधर देख लीजिए, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए, वो मत दिखाइए, थोड़ा वो इधर दिखा दीजिए। और आपको ये जिस ट्रक से आया था, हमारे बगल में ही ट्रक था, आइए दिखा दीजिए, ट्रक दिखा दीजिए। ये ट्रक नहीं था, लगता है उधर था, यही है, यही ट्रक था, इसी में उनका पार्थिव शरीर आया था धर्मेंद्र गौड़ जी का। और जो है कि ये देखिए, एक लहराता हुआ तिरंगा जो है कि तिरंगे में लपेट कर भारत माता के गोद में समा गए। और जो कहा जाए कि देवरिया के लिए सबसे दुख की भी बात है, और क्योंकि 2 हफ्ते में 3 जवानों का शहीद होना देवरिया के लिए पहाड़ सा टूट पड़ा है और पूरा देवरिया भावुक हो गया है। चारों तरफ हमारी वीडियो जब जा रही है, देवरिया वासी जब देख रहे हैं तो चारों तरफ रो रहे हैं कि हमारे देवरिया पे ही ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों लगातार 2 हफ्ते में 3 जवान शहीद हो गए। देखिए TV समाचार ऐसे विभाग खबरों के जाना जाता है, TV समाचार आज पहुंचा था देवरिया के गौरा बरहज में और लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए TV समाचार ऐसे आगे भी तस्वीरें दिखाता रहेगा। तब तक लिए बने रहिए TV समाचार पर, लेते आपसे अलविदा, देखते रहिए TV समाचार। नमस्कार।